गरीब आदमी अब कमान नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के फिलवानी में कोरोना कर्फ्यू के समय फल का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति ने सीएमओ और नगर परिषद के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। गरीब आदमी अब कमान नहीं दे रहे। अरे फल विक्रेता सलीम चालान काटे जाने से बेहद नाराज था। तभी अचानक से सलीम ने सीएमओ और नगर परिषद के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर दिया। यहां तक कि सलीम ने सीएमओ और सभी कर्मचारियों को गालियां भी दी और सीएमओ को थप्पड़ भी जड़ दिए। बचने के लिए बाकी कर्मचारी मौका देखते ही वहां से भाग खड़े हुए और सीएमओ भी अपनी कार में जाकर बैठ गए। दरअसल सरकार ने यहां कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। शनिवार को सीएमओ राजेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ शहर में राउंड पर थे ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इस दौरान करीब 3 बजे सिरमौर रोड पर सलीम ठेला लगाकर फल बेच रहा था और कुछ लोग फल खरीद भी रहे थे, जो पुलिस को देखते ही भाग खड़े हुए। सीएमओ ने सलीम से कहा कि यह नियमों का उल्लंघन है और दोनों के बीच बहस हो गई। इसमें सीएमओ ने ठेला जब्त किया और चालान भी काट दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद नगर परिषद ने ठेला जब्त कर लिया और फल नीचे गिरा दिए। यह देखकर सलीम को इस कदर गुस्सा आया कि उसने सीएमओ को ही पीट डाला। सलीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गरीब आदमी अब कमान नहीं दे रहे। अरे